अब मैं जरा तुम बता दूं कि क्या एक्चुअल सिचुएशन है. नंबर वन, मेरी नोटिफिकेशन जो स्पोक्स पर्सन का है, शुरू दिन से मेरा उसमें नाम है. मैं इस वक्त मेरे पास डायरेक्ट सीएम का नंबर है, इसके पीएसओ डायरेक्ट मेरे साथ है. मैं तुम्हें वो जो मेरे नोटिफिकेशन हो रहे हैं इस वक्त, वो किसके लिए एमपीए के लिए हो रहे हैं, इनको तो पता ही कुछ नहीं है. ये इसकी तो वैल्यू कुछ नहीं है इस वक्त. जो मीडिया में जो टके टके के लोग फिर रहे हैं, मेरी तो पीडीएमए के थ्रू नोटिफिकेशन हो रही है. मैं तुम्हें वो भेजती हूँ कॉपीज उनकी, तुम्हें होश के सामने नहीं देखना सोचते. ये तो नजर क्यों पहुंच सकते हैं. अच्छा, अब आगे सुनते जाओ. अब ये हुआ कि मैंने वो पीएसओ ने मुझे तीन चार दफा कहा कि आप भी इधर आ जाए, उधर आ जाए, तो सीएम के साथ मैं भी गई एक्सपो सेंटर. मैं तो कैसे, देखो मेरी बात करो, इस वक्त मैं सिटिंग एमपी हूँ, ठीक है, जो वैल्यू की चीजें होती हैं. नंबर दो, मेरी वजह से खास साहब ने चार पांच लोगों को चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी बनाया है. मैं चेयरपर्सन हूँ इस वक्त स्टैंडिंग कमेटी की, साथ चार पांच और तीन, वो मेरी वजह से मैंने टेकअप किया स्टैंड कि आप डिसीजन मेकिंग रोल्स में आप खातन को क्यों नहीं ला रहे. पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की आपने लिस्ट निकाली है, उसमें एक भी खातून नहीं है. मिनिस्टर्स में मुझे खास साहब ने कहा था कि मैं, आप मेरे पास टेक्स्ट है खान साहब के हफ्ता पहले इलेक्शन से, कि मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ पे पंजाब असेंबली में भेजा है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम्हें मिनिस्ट्री दो ताकि तुम कोई प्रोडक्टिव काम करो. इट विल डू वंडर्स इफ वी मेक द गवर्नमेंट इन पंजाब. ये हफ्ता पहले की टेक्स्ट है खान साहब का खुद मुझे. फिर हुआ यूं कि तकरीबन 23-24 इंडिपेंडेंट्स को मिनिस्ट्रीज देनी पड़ रही, वरना हमारी हुकूमत नहीं बन रही थी. इसलिए हम लोग, मुझे मुशर्रफ और सादिया सुनील तीनों को कहा था उन्होंने. सादिया को नहीं डायरेक्टली कहा था, लेकिन मुझे तो डायरेक्टली खुद कहा था उन्होंने टेक्स्ट में. सर दोनों को वकील क्लेम करती हैं कि हमें कहा था, मुझे नहीं पता उसका, लेकिन मैं क्यों शक करूं. लेकिन हमारा नाम आता रहा तीनों का, दो तीन दफा हमारे नाम आए. फिर उसके बाद ये क्यों लीग ने गंद डाला, आगे किसी की कहानियां हुई, तो फिर वो नहीं एक चीज. फिर मैंने खान साहब को खत लिखा, उन्होंने मेरी वजह से चेयरपर्सन बनाया स्टैंडिंग कमेटीज के. ये हाफ मिनिस्टर की पोजीशन होती है, मुझे सरकारी गाड़ी मिली है उसकी वजह से, दफ्तर सरकारी गाड़ी मिली है. अच्छा, अब उसके बाद जब मुझे चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी जेंडर में स्ट्रीमिंग बताया, फिर यूनिसेफ ने मुझे एंगेज किया, फिर मुझे वर्ल्ड बैंक ने एंगेज किया, फिर मुझे विमेन ने एंगेज किया, मुझे यूएनएससीए ने एंगेज किया. मैं इन सारों के साथ काम कर रही हूँ, ये कोई मेरे नजदीक नहीं पहुंचता इस वक्त. आपको नहीं पता, आपको तो पता ही कुछ नहीं है. अच्छा, फिर मैं स्पोक्स पर्सन हूँ पंजाब गवर्नमेंट की, ऑथेंटिक शुरू से लेके आज दिन तक मैं ऑफिशियली तमाम नोटिफिकेशन से मेरा नाम है, सानिया का भी जितना नाम है. ये तो बाद में मिलने करने कर करके आ गए. हम लोग तो ऑफिशियल है, सीएम का उससे कोई ताल्लुक नहीं है. सीएम डज नॉट फॉल बैक ऑन चौहान, उसका सारा काम जो है वो राजा जहांगीर करता है. डीजीपी और उसका सारा मीडिया संभालता है, ये मुझे पता है. वो देखो, चौहान के नोटिफिकेशन की क्या वैल्यू है मुझे ये बता दो. तो कोई वैल्यू नहीं है इसे, उसकी तो अपनी कुर्सी जो है वो आज है, कल नहीं है. 10 दफा उसको रिपोर्ट किया, 10 दफा लगाया, उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है यार. क्या हो गया तुम लोगों को. अच्छा, फिर उसके बाद अब इस वक्त ये सिचुएशन है कि सिर्फ एक मैं वाहिद हूँ खातून जो की पीडीएमए के साथ काम कर रही है. चीफ कमिश्नर को सीएम ऑफिस से डायरेक्टिव दे, मैं तुम्हें भी वो लेटर्स भेजती हूँ, वहां से डायरेक्शन गई है और पीडीएमए ने लेटर्स निकाले. आपको क्या पता कि मैं डिफिक मेरे साथ काम कर रहे हैं. नवेशारा में मैंने इतनी बड़ी बड़ी दो करवाई है मीटिंग, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स, वर्ल्ड बैंक का जो रेफ है वो आया है, तो मैंने पंजाब असेंबली में लंबी चौड़ी मैं एक्चुअली मैंने तुम लोगों को ये भेजा नहीं, मैं तो मीडिया में कवरेज हुआ है. तुम लोग पता नहीं, तुम लोग बात ही नहीं करते हो, तुम लोग सिर्फ रेफरेंस की बात करते हो. ये असल काम है जो हुकूमत के काम सतह पे मैं इंटरनेशनल लेवल पे कर रही हूँ. ये यूनिसेफ ने कोलंबो भेजा था पार्लियामेंटेरियंस मीटिंग में, मेरी पीएसओ के साथ उनकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन है. जो आन अपनी भी तो उसने कारकर्दगी दिखानी है कि नहीं. अब जब से उसका नोटिफिकेशन होना हुआ है, मेयर कार सिर्फ गल्फ न्यूज में उसके कोई कॉन्टेक्ट है, बस उसमें उसका एक आध आर्टिकल आ जाता है. राजा बिशारत कहते हैं ये इन डिटेल है, ये कोर्ट में चैलेंज हो सकता है. भाई चौहान ने ये बताना नहीं है कि मैं पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का जबरदस्त तरीके से चला रहा हूँ, ये नहीं उसने लोगों को बताना. आई डोंट वाई शुड चेयरपर्सन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी इन पंजाब असेंबली,
उसका तो कुछ रोल ही नहीं है, उसका तो कोई शी डजंट हैव एनी डेजिग्नेशन, उसको तो वैसे चूंकि वो पुराने जमाने में एक मीडिया में होती थी, जो भी है ये एमपीए नहीं बन सकी, ये बाहर निकल गई, तो अब उसको अपने अपना इधर उधर से दो एक बार सिफारिश करा के वो दोबारा कोई गुजर गई, कोई जगह की वैल्यू नहीं है कहीं भी। अच्छा फिर मैं अच्छा और सुनो, फिर मैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड पंजाब के मैं उसकी मेंबर हूँ, फिर मैं ये जो लाहौर कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी है मैं उसके सर्टिफिकेट की मेंबर हूँ, फिर मैं कश्मीर कमेटी की मेंबर हूँ, मेरे पास 10 पोर्टफोलियोज हैं सफर, आप बताओ किस दुनिया में रह रहे हैं। मैं भी तुम्हें सब कुछ भेजती हूँ भाई, आंखें खुली रह जाएंगी तुम्हारी, जो मैं काम कर रही हूँ कोई सफर है काम पास किया हुआ है, खुद ही पहुंच गई होगी, सियालकोट की है ना ये, वो सारा अहमद है ना तुम्हारी फेवरेट, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन वाली, ये वो है, ये इसलिए गई थी क्योंकि ये बड़ी उसकी वो पेट है ना उसकी, क्या नाम है, परवेज खट्टक की, तो ये सियालकोट में इसने सीएम का वो विजिट था वहां पे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, तो वो ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की वो है ना चेयरपर्सन है आजकल, तो इसलिए वो साथ चली गई होगी। वैसे करना नहीं चाहिए, सीएम शुड अवॉइड दिस यू नो, क्योंकि फिर बहुत जितने मुंह उतनी बातें होती हैं, फिर आपको पता है सोशल मीडिया तो एक मॉन्स्टर है ना, उसमें कोई चीज जो रुकती थोड़ी है, फिर हर जगह ही जाती है, थोड़ी एहतियात करनी चाहिए बंदा तो इस लेवल इस पोजिशन पे आके ना, यू हैव टू बी केयरफुल। याद है वो हम लोगों को भी बड़ा केयरफुल होना पड़ता था जब हम जाते थे खान साहब के साथ कहीं, डजंट मैटर भैया, यहाँ पे बस ऐसे ही है। मैं तो मैंने देखा है कि अपने आप को बचा के रखो बस, दैट्स इट। हाँ तो फिर अब ये देखो ना, ये यही तो मसला है सारा, कि आजकल कोई चीज छुपती नहीं है, अगर आप एक को ये ट्रीटमेंट स्पेशल दे रहे हैं तो फिर बाकी तो क्वेश्चन करेंगे ना इस चीज को, ये बड़ा मसला है ना। इस तरह के बंदा केयरफुल रहे, आप किसी को भी ना लेके जाए जब इतने लोग हैं, तो फिर अब सारे देखो, शी कुड हैव इजीली गॉन इन हर ओन ट्रांसपोर्ट, मसला क्या था, अगर जाना था और सीएम ने वहां पे विजिट करनी थी, अपनी गाड़ी पे जाती है वहां पे जाके रिसीव कर लेती सीएम को, एनी जिनी गल है, लेकिन साहब बिठा के लिए जानना और करना, वो फिर पता है वो बड़े अजीब अजीब फिर मैसेज। और ये तो हेलीकॉप्टर तो एक ऐसी चीज है ना जिसमें वो आप खुद तो नहीं जाके छलांग मार के बैठ सकते ना, यही चीज है सारी। एनीवे कंसीडरिंग कि शी इज नॉट इवन एन एमपी है, और आप क्या करें यार, जो उसने करना है करने, तो उसके आगे से जाहिर है कि जब ये मीडिया में बात निकलती है तो फिर खुद ही डील करें उससे, हम क्या करें। मैं इस वक्त वो आई हुई एक चैनल पे ही आई हुई हूँ, और अकेला अंदर गया और कहता है कि मैंने किसी से कहा इमरान उसे मुड़ के देखा ही नहीं, और कहता है हालांकि हम सारे हर वक्त उसे घर के साथ अंदर होते थे, लेकिन अब उसने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, इस लाइन से आगे कोई जाएगा घर के अंदर। हाँ इस तरह से उसने अपना किया हुआ है कि अंदर उसने अपना, जब खान उसके पास जाता है तो फिर कोई उसके साथ नहीं जा सकता अंदर, कोई नहीं जा सकता, चाहे मैं उर्दू दौर की किसी को क्या भूल जाओ, तो सब जाओ इसके आगे तुम नहीं जा सकते। ये खान को कहे कि मैं आपकी पॉलिटिकल लाइफ में मैं पब्लिकली नहीं आऊंगी, लेकिन पीछे प्राइवेटली मैं क्वीन हूँ यहाँ पे बस, ये कंट्रोल अगर रखा जाता है। वायरस की बीवी है वो, एक उसने इंटरव्यू दिया था उसके नदीम मलिक को, उसके बाद वो आई है, उसी की स्टेटमेंट आई है, तो बस यही तो है। रेहान खान तो आपको पता है वो पति के लिए कितनी ये पीछे बैठ के अगर कोई चीज, ये मेरे ख्याल में खान वो मुझे नहीं बोला, कहते ना कि मैंने पूछा आपसे भी कैसी तुम्हारी मैरिज लाइफ, कहते हैं कि जब मैं घर जाता हूँ वो मेरी शक्ल देखती है तो उसे पता लग जाता है कि सारा दिन मैं किस प्रॉब्लम से गुजरा हूँ, और फिर मुझे भाई वो मोकल है, मोकल का मतलब है कि वो जिन भी है उसके अंदर, जो मोकल होता है उसे पता तो लग जाता है ना क्या हो रहा है तो क्या नहीं हो रहा है। लेकिन तुम्हें मुझे ये बताओ, जरदारी घर से निकलता है 6 काले बकरे कुर्बान करके, हर जरदारी हो गई, बेनजीर हो गई, फलाना मुशरफ, इन सारों ने बुजुर्ग रखे हुए थे, नवाजी ने रखे हुए थे, क्योंकि इन सारों को अपनी जान का खतरा होता है, इन सारों को पता होता है कि उनके इर्द गिर्द कितनी मुनाफत चल रही है, कितने दुश्मन है उनके, तो ये सारे अपने लिए रखते हैं, कौन नहीं रखता। हाँ तो बिल्कुल उन्हें क्या कि मैं इतने धक्के खाए नहीं कि मैं कितने कहीं पहुंच ही रहा हूँ, तो मैं अपने लिए हथियार बना लूँ अपने इर्द गिर्द कि मुझे कोई तो प्रोटेक्शन मिले। तो ये तो देखो ना, ये तो सारी दुनिया, मैं वो अर्दुगाल देख रही थी, कतलो गारत बुरा हाल, इतनी गंदी, उधर भी गले काट, वो पावर के लिए तो दुनिया ने
इतना खून बहा है कि अल्लाह की बना है। मुगलों को देख लो, ये औरंगजेब सारे अपने भाइयों को मार दिया खुद बैठने से बैठने के लिए तख्त पे। जहांगीर ने जहांगीर को कैद कर दिया शाहजहां ने, तो नूरजहां तो उनके साथ बैठ के तख्त पे करती थी ना, अब कुछ ही बैठ। अब मुझे एक पता मिला जो मीडिया का ये तर्जुमान है, कहता है आपकी मैं हैरान हो गया, मुझे कुछ एंकर्स ने कहा कि जी हम जब कहते हैं कि उस्मान गादर को भेजे हमारे प्रोग्राम पे, तो आगे से हमें जवाब ये लोग दे देते हैं क्योंकि वो तो अवेलेबल नहीं है। पर आपकी तंजूम ये लोग हरकतें करते हैं। दो तीन एंकर्स ने कहा कि हम तो अब अच्छा अब वो देखो ना जो मुझे रेगुलर बुलाते थे वो उनको उनको कहना शुरू कर दिया जी नहीं वो तो अवेलेबल नहीं है, ये आप किसी और को भेज देते हैं। गंदगी है यहाँ के समय कुछ नहीं है यार। देखो ना मंसूर क्योंकि मुझे जानता है, मैं उसके साथ 5-6 साल से आ रही हूँ, मैं परवाह नहीं करता। ये एक दफा मुझे इसने बुलाया तो वो मुझे इसके प्रोड्यूसर ने ना फोन किया, कहता कि मुझे रिजवान का फोन आया था कि नहीं नहीं वो फलानी नहीं वो अंदरीब आना चाह रही थी उसको, तो कहते उसको मैंने शटर कॉल दे दी कि नहीं हमने बुलाया है इसको, यही आएंगे हमारे प्रोग्राम में। तो मेरे साथ पुराने चलते हैं ना वो तो एक एक स्टैंड बाकियों पे ये लोग प्रेशर डाल देते हैं। चैनल सियासत गंदी और कुछ भी नहीं है, ये नीचे गंद बड़ा है हमारे यहाँ। तो देखते हैं कि उसमें कारगर किसी अच्छे चैनल से आ रही है। और जो कहते हैं ना मैं बुशरा सदीकी के साथ मैं बहुत क्लोज हूँ, सब झूठ है, सब झूठ अलग झूठ है। फिर बिल्कुल वहां पे जिसे कहते हैं ना नाक का बंद है सारों का, पुराने जाने वाले है ना वो उनको वो नवाज रही है या उनको आगे ला रही है कर रही है, वो श्योर कुछ ना कुछ होता होगा, क्या कह सकता है बंदा। वन वॉट कैन वन से देखो, ज्यादा तो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है ना इस वक्त, ये पूरा मीडिया ऊपर से जो अलग से लेके ये तक चेंज कर दिया इन्होंने, तो अब ये चीजें जो है ये कम अज कम इस वक्त ये तो क्लियर मैसेज है कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट जो है ऊपर खान जो है वो इकट्ठे चल रहे हैं। लेकिन ये अच्छी बात है ना यार, एस्टैब्लिशमेंट के बगैर यहाँ पे हुकूमत को चल सकती है पाकिस्तान में, मुझे ये बता दो जवाब, तुम बना के रखनी पड़ती है वरना तो बाकी सर्वाइवल की जंग है। कुछ नहीं हो रहा, वो इजलास शुरू हो रहा है 8 तारीख को जो अपोजिशन ने रिक्वेस्ट किया है। ये फिरदौस आपा जो है ना ये फॉर ट्रबल कुछ भी नहीं, और जितना जितना बोलेगी ना उतना इसके खिलाफ होगा मामला, क्योंकि जब ये गया था वहां पे मुल्तान तो उसके साथ पीछे खड़ी हुई थी इसलिए ये वही वाली है ना, ये जो मुल्तान का जो हमारा MNA है ये उसके ग्रुप की है ना, उसने इसका नाम दिया था रिजर्व लिस्ट में। क्या नाम है जो उसके शेषा महमूद के साथ होता है, उसका नाम मुझे भूल गया है, अभी वो चीफ विप बना हुआ है वहां पे नेशनल असेंबली में, डोगर डोगर ये है ही मुल्तान की ना, तो फिर वो उसमें से तो सारा अहमद का सबसे सारे फेरिस्त होना चाहिए जो हेलीकॉप्टर में बैठ के गई है उसके साथ जहाज में जहाज में, और क्यों नहीं कोई बैठ के गया। कह रहे थे शादी कर ली है फिर, लेकिन उसके बाद तो कुछ भी नहीं हुआ।